सिर फिर आशिक के हमले में घायल मधुलिका को यशोदा अस्पताल से आज डिस्चार्ज कर दिया गया है। डॉक्टर ने उसकी हालत अब बेहतर बताई है, लेकिन उसे पूरा स्वस्थ होने में लगभग 2 महीने लगने की बात कही जा रही है। अपनी लड़की को अस्पताल से घर ले जाते समय मधुलिका के पिता ने डॉक्टर्स और मीडिया का आभार व्यक्त किया और अपनी लड़की पर हमला करने वाले को सख्त सजा देने का तेलंगाना सरकार से अनुरोध किया। बता दें कि 15 दिन पहले बरकतपुरा साई नगर की रहने वाली छात्रा मधुलिका पर सिरफिरे भरत ने नारियल काटने वाले हंसिया से शरीर पर 14 जगह हमला किया था। इस घटना में वो गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिस पर मलकपेट स्थित यशोदा अस्पताल में उसका इलाज किया गया। आज पूरी सुरक्षा के दरमियान मधुलिका को एम्बुलेंस द्वारा उसके घर छोड़ा गया। मधुलिका ने इस अवसर पर बात करते हुए तेलंगाना सरकार से आग्रह किया कि उस पर हमला करने वाले को सख्त सजा दी जाए, ताकि ऐसे लोग किसी भी लड़की पर अत्याचार करने से पहले एक बार जरूर सोचे। डॉक्टर अभी पाप को माला इबंधना कंटाक्ट नंबर इच्छा डाक्टर इबंधना 24 अवर्स डाक्टर उठा इबंधना मल्ल तस्करे मैं ट्रीटमेंटा हम जो नार्मल इंका 1 मंथ 2 मंथ्स पड़ता प्रति धन्यवाद వానికి మాత్రమే ఇంకొకటి అందరు సోదరులకు నమస్కారం చేస్తున్నా. నాకు అయినా నా బిడ్డకు అయినట్టుగా ఏ తండ్రికి ఇటువంటి శోకం రాదు, ఇటువంటి రావద్దు. వాని కఠినంగా శిక్షించాలి, వాని ఉరిదీయాలే, లేకుంటే వాని షూట్ చేయాలి, లేకుంటే వాని షూట్ చేయాలి, ఎన్కౌంటర్ చేసేసాను. ఇటువంటి వాడు మళ్ళీ ఎటువంటి వాడు చేయకుండా చేయాలి వాడిని అంటే నా ఒక ఈ దారం